हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं हम अपने न्यू ब्लॉग में। आज हमारा दिन है बाहर आज हमारा दिन है, बहुत अच्छा दिन है भाई। फ्राइडे आज जुम्मा है और जुम्मे का रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और जुम्मा तो वैसे ही अच्छा दिन होता है, यानी कि बड़ा दिन होता है हमारे लिए। एक तरीके से ईद से कम नहीं होता जुम्मे का दिन हम लोगों के लिए। लेकिन मेरा जुम्मे का दिन तो निकल गया है, क्योंकि सुबह लाइट गई। मैं सुबह 1:30 से सो रहा था, ठीक है, जुम्मे की नमाज मेरी निकल गई, लेकिन रोज़ा रखा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब जाने की तैयारी है, तो पैकिंग भी करनी है। रात में मैंने पैकिंग नहीं करी थी। अभी फ़िलहाल तो मैंने ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा, एक दो तीन तीन मैंने वो रख लिए कार्गोस, सही है, ट्राउज़र है लेकिन कार्गो में ही, और एक दो तीन चार चार मैंने टी शर्टें रख ली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड नहीं करने वाला। और अभी जो गेटअप करके जाऊँगा ना, वो ये शर्ट पहनने वाला हूँ, इसके साथ है डैमेज पैंट पहन के जाऊँगा। और शूज़ जो है इनके साथ मैं ये वाले पहनने वाला हूँ, शूज़ जो है हम वाइट वाले पहनने वाले। भाई नीचे से साफ़ है, टेंशन नहीं लो, साफ़ है नीचे से, ठीक है। और जल्दी से यार तैयार होते, टाइम भी बहुत कम बचा है, और है लेकिन टाइम है अभी, लेकिन अभी 2 बज गए हैं, ठीक है। तो नमाज भी पढ़नी है मेरे को, जाहिर सी बात है यार, कज़ा पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे यार। और ये कि चलते हैं, तैयार वैयार होते हैं, गेटअप वेटअप चेंज करते हैं, फिर मैं आपको मिलकर थोड़ी देर। हाँ तो भाई रेडी वेडी हो गए, सामान वगैरह ये पड़ा हुआ, ठीक है। और ये अरशमान आए, अरशमान कैसे हो? ये फरमान साहब आए हुए, हेलो फरमान। और लाइट चला गई, सुबहान ये रे अनाइजा ये री। और हमारा लुक कुछ ऐसा है, अभी शीशा इतना गंदा हो रहा है, ऊपर ये ऊपर से नीचे तक दिखा दे दो। हाँ हाँ घर का कबाड़ा ही दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। हाँ तो भाई घर से निकल गया था मैं, अभी मैं एक जगह आकर हम लोग रुके हैं, भाई पे काम है, भाई काम से गए, ठीक है। तो भाई के साथ ही जा रहा हूँ यार मैं एयरपोर्ट, ठीक है। और ये मेरा पीछे सामान पड़ा हुआ है भाई, अभी एटीएम पे खड़े हुए, मैदान के एटीएम पे खड़े हैं, मैदान के एटीएम पे। पैसों की ज़रूरत होगी मुझे तो जाहिर सी बात है, अभी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। और फिर ये कि अभी पैसे वैसे निकाल के फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एयरपोर्ट पर बैठेंगे जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट अच्छी गुजरेगी अल्लाह ने चाहा। और आज जुम्मे का दिन है तो अंदर ही मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। सामान वगैरह उतारते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। माशाल्लाह से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो गई, और अंदर से कुछ ऐसा एयरपोर्ट भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, फुल्ली व्यू ऐसा ही, बोर्डिंग काउंटर है भाई माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन एयरपोर्ट है, लोग इतने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे यार, क्या बताऊँ। चलो अब बोर्डिंग वगैरह कराते हैं, सामान वगैरह पैक कराते हैं, फिर मिलता हूँ भाई। फाइनली बोर्डिंग हो गई है, अब इमिग्रेशन काउंटर पे आए हैं, इमिग्रेशन कराएंगे फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। भाई फाइनली इमिग्रेशन क्लियर हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम जहाज़ की तरफ निकल रहे हैं भाई, बॉडी पास ये रहा हमारे, टैग्स ये रहे, पासपोर्ट ये रहा, अब निकलते हैं आगे की तरफ, जैनब ड्यूटी फ्री शॉप, अब आगे निकलते हैं यहाँ। अल्लाह करे हमारा सफ़र अच्छा गुजरे, और बस यही है, फिर इंशाल्लाह दुबई में ही मिलते हैं, जहाज़ में बैठते हैं अभी। ये रहमत शीरी आ गया, चलो जहाज़ में बैठते हैं अभी। तो हाँ भाई कॉलिंग हो रही है, देखो आप कितना रश है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये लोग जा रहे हैं, गेट नंबर 24 है हमारा,
और अभी इंशाल्लाह जाएंगे प्लेस पर बैठेंगे, जहाज में फुल तफरी करेंगे, आपको दिखाएंगे, हमें इफ्तार मील भी मिलेगी जहाज में, वो भी दिखाएंगे भाई एयर ब्लू की कैसी है। ठीक है, तो अब जहाज में बैठेंगे तभी और जहाज हमारा रेडी है। बस ये देखें एयर ब्लू का जहाज है, बस हमें इसमें इंशाल्लाह बैठना है। बस दुआ करिएगा कि सफर अच्छा गुजरे हमारा, और यही है कि इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी वहाँ पे, ब्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे जो कवर हो सकेगा हम दुबई में कवर करेंगे। ठीक है, और दुआ करें बस कि भाई सेफली पहुंच जाए, इंशाल्लाह पहुंच जाए दुबई के, अच्छे अच्छे व्यू सिखाएंगे, अच्छा अच्छा एरिया सिखाएंगे। ठीक है, अभी अंदर बैठते हैं जहाज में, फिर जहाज में ही मिलते हैं। हाँ तो भाई इफ्तार मील आ गई है, उसको खोल के देखते हैं इसमें है क्या 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 दिया है क्या क्या नहीं दिया। एक मिनट में इसको खोल लेता हूँ पहले ना। ओह चिकन और राइस है, चलो मैं स्पून निकालता हूँ, फिर टेस्ट करते हैं और रिव्यू देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सादे राइस है भाई, टेस्ट करते हैं। सही है, नॉर्मल है, पिलाव जैसा टेस्ट है, अच्छा है। मील को एंजॉय करते हैं और बराबर में भी मील चल रही है भाई, खाना वाना खाते हैं। ठीक है भाई, हमारी चाय आ गई है, चाय हमने रेडी कर ली है, इफ्तारी कर ली हमने, और इफ्तारी के बाद चाय पियेंगे भाई बेहतरीन तरीके से। अच्छी है चाय, ये है कि होटल होटल वालों से तो बेकार है, जो हम बाहर होटलों में पीते हैं उससे बेकार है, बस ये गुजारे लाएंगे यार। अब चाय पीते, चाय को एंजॉय करते हैं, फिर अब डायरेक्ट आप लोगों से मैं दुबई एयरपोर्ट पे मिलूंगा। ठीक है, देखिए पाकिस्तानी आवाम को आप देख सकते हैं, जैसे कि कहते ये देखे ये लोग बस भी नहीं आई, अभी बस भी नहीं आई, और देखे कैसे कंडक्टरों की तरह ये लोग कूदने शुरू हो गए। 1.5 लाख रुपए टिकट पे डब्ल्यू ग्यारह में बैठ गए भाई। खैर यार, ये होता है हर जगह पे, इग्नोर मारो इसको। फाइनली दुबई लैंड हो गए हम लोग, एक्सीलेटर पे लोग जा रहे हैं और हम पैदल पैदल चल रहे हैं। पैदल भी चल रहे हो, गाड़ी में चलो, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी में जाए भाई। तो दुबई कुछ दिखने में ऐसा है, दुबई का एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी सर, मैं पहली बार आया हूँ असल में, मुझे पता नहीं था कि दुबई कैसा है कैसे नहीं, आप बताएं कैसे अच्छा है। नहीं इंशाल्लाह हमने सुना है बहुत अच्छा है दुबई, तो अंदर ही मिलते हैं आप लोगों से बेल्ट पे। भाई यहाँ के तो बाथरूम भी ऐसे लग्जरी है, देखो यार वीआईपी बाथरूम। अरे यार थोड़ा सा इमिग्रेशन में मसला हो गया दोस्तों मेरा, बस इमिग्रेशन क्लियर हो गई फिर इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं यार। फाइनली इमिग्रेशन इज क्लियर, सही है, बस थोड़ा सा फेस स्कैनिंग का मसला आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह फेस स्कैन हो गया। अब बेल्ट पे जा रहा हूँ सामान लेने, ड्यूटी फ्री है, ये रही बेल्ट्स, सामान लेते हैं और फिर बाहर से आते हैं निकलते हैं यार। BMW की बाइक देखते हैं यार, कैसी बेहतरीन बाइक है, वाह यार दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई। रमजानों में भी बियर दारू, बताओ यार भाई, ये दुबई है भाई, दुबई है इधर सब चलता है भाई। आ गई 7 बेल्ट नंबर 7, यहाँ से अपना सामान उठाते हैं। अबे यार अब सामान किधर पड़ा हुआ है, अब देखते हैं यार बैगेज क्लेम में पड़ा हुआ होगा, मुझे बहुत देर हो गई। भाई फाइनली दुबई आ गए हम, बाहर निकल गए गाड़ी बैठे हुए और अब रूम जाने की तैयारी है भाई, बहुत थक गए इमिग्रेशन में, मेरा बहुत लफड़ा हुआ,
और आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे सुबह आपको दुबई घुमाएंगे।